स्टूडेंट्स आरसीआई एजु हब के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स हम लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और कुछ क्वेश्चन किए भी थे उसमें। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस अब हम करते हैं वहां पर क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे हमने, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4th का फर्स्ट पार्ट है आपका स्टूडेंट्स आई इज इक्वल टू, जो आपको निकालना है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस लोग एक्स और यहाँ पे डी एक्स। स्टूडेंट्स इसमें भी सब्सटीट्यूशन करना है आपको, बिना सब्सटीट्यूशन के ये हो नहीं पाएगा। तो किसको सब्सटीट्यूट करें ये देखने वाली बात है कि हम एक्स इज इक्वल टू टी रखें तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, इससे कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। तो हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे, लोग एक्स इज इक्वल टू टी रखें तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये गड़बड़ आएगा। तो 1 प्लस लोग एक्स को ही टी रख लें तो कैसा रहेगा, चलो चेक करते हैं। लेट 1 प्लस लोग एक्स इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का तो क्या हो जाएगा 0, देन 1 का तो 0 और log x का 1 बाई एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इन दोनों को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं क्योंकि इसको तो t सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और यहाँ पे 1 डी एक्स बाई एक्स को डी टी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स की जगह तो हमने रख दिया है डी टी अपॉन, यहाँ पे इसकी जगह क्या रख दिया है हमने t रख दिया है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन log t मॉडुलस प्लस में c, t की वैल्यू क्या रखी थी हमने, ये 1 प्लस log x, तो t की जगह 1 प्लस log x हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो I इज इक्वल टू log मॉडुलस ऑफ 1 प्लस log x प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन निकल करके आ गया है जो कि बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन नंबर का एक पार्ट और गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। तो 2 आपको गिवन है आई इज इक्वल टू, हमें निकालना है 1 प्लस लोग एक्स की पावर क्यू बाई एक्स और यहाँ पे dx इसको सोल्व करना है। तो वही सब्सटीट्यूशन अगर आपको आ गया है उसके बाद में क्वेश्चन में कुछ बाकी नहीं बचा है, केवल यही सर्च करना है कि किसको सब्सटीट्यूट करें। तो log x को अकेले को नहीं मानेंगे, 1 प्लस log x को हम तीन मान सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद में ये बिल्कुल इजीली सोल्व हो जाएगा। तो लेट 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी, देन डेरिवेटिव अगर करें तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये बन गया है। अब इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, सो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसको टी रख देंगे तो टी का क्यूब और डी एक्स बाई इसको क्या रख देंगे जो ये है, इसको हम रख देंगे डी टी, तो टी क्यूब डी टी बन गया है हमारे पास। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो आई इज इक्वल टू क्या निकल करके आ जाएगा, टी की पावर 4 या फिर 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 प्लस में सी। अब टी की वैल्यू यहाँ पे हम उठा करके रख देंगे, टी की वैल्यू क्या थी, ये रही हमारे पास 1 प्लस लोग एक्स इज इक्वल टू क्या मान के चल रहे थे हम, टी मान के चल रहे थे। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 प्लस लोग एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस में सी, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट्स। बस यहाँ तक ही करना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरीके का अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। चलो स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास e की पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट आपके पास क्वेश्चन है I इज इक्वल टू, यानी कि इंटीग्रेशन निकालना है आपको e की पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी एक्स। तो इसमें भी सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, तो सब्सटीट्यूशन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, टेन इनवर्स एक्स को हम क्या मान सकते हैं यहाँ पे टी मान सकते हैं उसके बाद में हो जाएगा, या फिर एम टेन इनवर्स एक्स को क्या मान सकते हैं टी मान सकते हैं। दोनों ही तरीकों से ये क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं लेट एम टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, देन क्या हो जाएगा, m तो कांस्टेंट है इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये सब्सटीट्यूट करना है हमें यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे m नहीं है, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो m को हम उधर ले जा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, इम्प्लाइज
वन अपोन सॉरी डी एक्स अपोन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे m मल्टीपल में है तो उधर डिवाइड में आ जाएगा dt बाई m. सो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास इंटीग्रेशन e की पावर, इसकी जगह क्या रख दें t रख दें e की पावर t, और इसकी जगह डी एक्स अपोन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है आपका dt बाई m m. तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो m क्या है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा i इज इक्वल टू वन बाई एम आपका बाहर आ गया है, और यहाँ पे क्या बच गया e की पावर t dt. तो e की पावर t का जो इंटीग्रेशन है वो सेम ही रहता है स्टूडेंट्स, तो क्या वन बाई एम e की पावर t प्लस में c, ये निकल के आ गया है. और यहाँ पे हम क्या करेंगे वैल्यू रख देंगे किसकी t की, तो i इज इक्वल टू वन बाई एम e की पावर t की वैल्यू क्या थी m इंटू टेन इनवर्स x प्लस में आपका इंटीग्रल कांस्टेंट, जो कि आपका इसका आंसर हो जाएगा. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. चलो आज के लिए स्टूडेंट्स हम इतना ही कवर करेंगे, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो है. लेकिन आपके लिए कुछ होमवर्क रहेगा, कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन है जो कि एग्जांपल नंबर आप कर सकते हो, जो दो तीन एग्जाम्पल हैं जो आप इजीली कर सकते हो. एक तो वन प्लस एक्स एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपोन वन प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इसका इंटीग्रेशन निकाला हुआ है, ये इंटीग्रेशन आप इजीली सोल्व कर सकते हो. यहाँ पे इसको टी मानोगे तो वन बाई डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, जिसको फिर उसके बाद में आप वन बाई टी का इंटीग्रेशन यानी कि लॉग टी से आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो. ये आपको घर पे एच डब्ल्यू में करना है. चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू.